हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन सिंह। यह है 10वीं क्लास हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लाइट द लैंप ऑफ दाय लव। लाइट द लैंप ऑफ दाय लव, अपने प्रेम का दीपक जलाओ, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पोयम है। इस पोयम को हम रीड करते हैं। In my house, with thine own hands, light the lamp of thy love, thy transmuting lamp entrancing, wondrous are its rays. हे प्रभु, मेरे घर में, मेरे हृदय में अपने स्वयं के हाथों से अपने प्यार का दिया जलाए रखना। तेरे स्पर्श मात्र से तेरे अस्तित्व के आनंद को अनुभव कर, जिसकी किरणें अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाय लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू दाय लाइट एंड माई एविल इनटू गुड। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। हे प्रभु, मेरे ज्ञान रूपी अंधेरे को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश एस सॉरी हे प्रभु, मेरे अज्ञान रूपी अंधेरे को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश में बदलो, और मेरी बुराइयों को अच्छाइयों में, मुझे केवल एक बार छू लो और मैं बदल जाऊंगा। ईश्वर से प्रार्थना की गई है इस पोयम में कि हे प्रभु, आप एक बार मुझे छू लीजिए तो मैं क्या हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा। जब तक ईश्वर हमें टच नहीं करेगा, जब तक ईश्वर की कृपा हम पर नहीं मिलेगी, तब तक हम बदल नहीं सकते। ऑल माई क्ले इंटू Thy gold, all the sense lamps that I did light, suited into worries, sitting at the door of my soul, light thy resurrecting lamp. तेरे अद्भुत स्पर्श मास से तेरी किरणें मुझ में समा, तेरे अलौकिक किरणों से मेरी सारी चिंताएं, सारे दुख तेरे ज्वलंत ओजस्वी तेज से मिलकर मेरी आत्मा को पवित्र कर देंगी। मतलब कवि कहता है कि हे ईश्वर, एक बार आप मुझे स्पर्श कर लीजिए और मैं उस आपके अद्भुत स्पर्श से और आपके द्वारा जो स्पर्श से जो मेरे अंदर किरणें आएंगी, जो अलौकिक किरणें आएंगी, उनसे मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, मेरे सारे दुख चले जाएंगे और मैं, मेरी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर करेक्ट मीनिंग। सबसे पहले आता है वर्ड, फिर मीनिंग। तो क्या है डिसिपल, डिसिपल शिष्य, तो इसकी मैच का किस में बनेगी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द रिलीजियस पर्सन। फिर सोल का फर्स्ट हो जाएगा ए नंबर का, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन। बरीज का सेकेंड, बी नंबर का, टेंशंस। फिर आपका वंडरस का फैसिनेटिंग रहेगा, और एविल का बिकड बिहेवियर। आंसर शीट दी है, ए का ई, सेकंड का बी, ए का ई, सेकंड का ए, और थर्ड का बी, फोर्थ का डी, और फिफ्थ का सी। आप गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के विलोम अपोजिट वर्ड बताना है आपको। लाइट प्रकाश, एक्सटर्नल बाहरी, सीनियर
सीनियर और एविल, तो इसके दिए हैं आपका लाइट का क्या हो जाएगा आपका अपोजिट डार्क, एक्सटर्नल का इंटरनल आंतरिक, और सीनियर का क्या हो जाएगा जूनियर, और एविल का क्या हो जाएगा गुड, एविल आने बुराई और गुड आने अच्छाई। क्वेश्चन देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोयम। What do you mean by in my house in my in the poem? Answer: In my house means in my heart in this poem. तो कुछ नहीं करना है आपको, in my heart इसमें include करना है, क्या करना है बाकी सब question से रहेगा, in my house means है ना, in my heart इतना भर आपको learn करना है in this poem। फिर आपका second आता है, what does the speaker want the Lord to do at first। सबसे पहले ईश्वर से वक्ता कभी क्या चाहता है, तो the speaker want to pray to God to light the lamp of his love in his heart। वक्ता ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता है कि भगवान अपने स्नेह का दीपक उसके हृदय में जलाएं। फिर आता है थर्ड, what kinds of lamps is it in the poem। कविता में किस प्रकार के दीपक के बारे में उल्लेख है, तो आंसर देखिए, In this poem, true knowledge is the lamp. Is the lamp. तो इसमें आपको लैंप भर जलाना, सच्चा ज्ञान ही दीपक है, यही कविता में कहा गया है। What does darkness stand for? What does darkness stand for? कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है आपको बताना, तो इग्नोरेंस एंड बैड डीड्स आर डार्कनेस इन दिस पोयम। इग्नोरेंस और बैड डीड्स जो हैं वो आपको क्या करना है, याद करना है, अज्ञानता और बुरे कार्य ही कविता में अंधकार हैं। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम, लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज, लाइट मतलब ज्ञान से है, कविता के अनुसार लाइट प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान से है। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू, तुलना की गई है, इंद्रियों की तुलना किससे की गई है, तो सेंसेस आर कंपेयर्ड टू लैंप, ओनली लैंप आपको याद करना है, इंद्रियों की तुलना दीपक से की गई है। फिर हु इज द पोएट ऑफ द पोएम लाइट द लैंप ऑफ thy लव, है ना, लाइट द लैंप ऑफ thy लव, कविता में कवि कौन है, तो कुछ नहीं करना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को याद करना है, और इसमें क्वेश्चन में हु के प्लेस पर रख देना है, और पूरा क्वेश्चन जो कहते हैं लिखना है, लाइट द लैंप ऑफ thy लव, कविता के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अब देखिए क्वेश्चन बड़े वाले, लॉन्ग, व्हाई डज द पोएट वांट टू गॉड लाइट द लैंप, कवि क्यों चाहता है कि ईश्वर मन रूपी दीपक को प्रकाश दिखाए, तो द पोएट वांट टू God to light the lamp to remove ignorance in his heart, also the wonderful rays would transform evil into good, clay and clay into gold।
कभी चाहता है कि ईश्वर उसके अंतर्मन को प्रकाशित करे जिससे मन की अज्ञानता समाप्त हो सके। साथ ही अद्भुत प्रकाश की किरणें बुराई को भलाई में व मिट्टी को सोने में परिवर्तित करें। What does the door of the soul suggest? आत्मा का द्वार क्या सुझाव देता है? तो a door of the soul suggest that the radiance grace of God might illuminate poet's life. It also gives suggestion to keep away all the worries. आत्मा का द्वार सुझाव देता है कि ईश्वर की दिव्य ज्योति के आशीष से कवि का जीवन प्रकाशमय हो, यह समस्त चिंताओं से दूर रखे, यह सुझाव देता है। अब थर्ड आपका आता है, व्हाट शुड वी प्रे फॉर, हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए? तो वी शुड प्रे टू ऑलमाइटी गॉड टू लाइट द लैंप ऑफ हिज लव इन आवर हार्ट। वी शुड प्रे टू गॉड टू रिमूव डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एंड टर्न आवर एविल इन टू गुड। हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका जो प्रेम है हमारे हृदय को अलौकिक करे। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि अज्ञानता का अंधकार हमारे मन से दूर हो जाए तथा हमारे बुरे स्वभाव को वे अच्छाई में परिवर्तित कर दे। Why does the speaker want to Lord to touch him once? कवि वक्ता क्यों चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार स्पर्श करे? तो आंसर है, द पोएट वॉन्ट टू लॉर्ड टू टच हिम बंस बिकॉज आफ्टर दिस ही विल कंप्लीटली बी चेंज्ड, ऑल हिज एविल विल ट्रांसफॉर्म इनटू गुड एंड वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल वरीज ऑफ लाइफ। कवि चाहता है कि ईश्वर केवल एक बार उसे स्पर्श करे क्योंकि इसके बाद वह संपूर्ण रूप से बदला हुआ व्यक्ति होगा, उसकी सारी बुराइयां भलाइयों में बदल जाएंगी, वह जीवन की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। फिर आता है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, इस कवि का संदेश क्या है, कविता का संदेश क्या है? वुमेन बॉडी इज बिल्ट आउट ऑफ क्ले एंड इट वुड मर्ज इन क्ले ओनली। दस पोएट वॉन्ट टू प्ले ऑलमाइटी गॉड टू लाइट लैंप ऑफ नॉलेज In his heart, he wants that God might touch him once and his soul could be entirely pure and pure. यह चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।